चीज का हम सबको रिजल्ट के ऊपर बेसब्री से इंतजार था, सीबीएसई ने लिटरली सबको चौंका दिया है और हम लोगों का विश भी पूरा कर दिया है। हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 चेहरे पर स्माइल देखकर समझ गए होंगे कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए आती हुई सीबीएसई की तरफ से। जैसा कि हमारा चल रहा है रिजल्ट का महीना, यानी कि टर्म वन का हमारा अपडेट आने ही वाला है रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप सबने नोटिस किया होगा या आप सबने ध्यान दिया होगा कि 5 तारीख काफी स्पेशल दिन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 5 जनवरी से लेकर 15 तारीख और 10 तारीख के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। पर उससे पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हमारी टेंशन थी कि सीबीएसई ने भैया आंसर की में गलती कर दिया, सीबीएसई ने जो है भैया बहुत सारे क्वेश्चंस हार्ड करे इजी करे, सीबीएसई ने कई जगहों पर चीटिंग करवा दिया, सीबीएसई के गलत आंसर आ गए हैं, तो हम लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, आप सबको मार्क्स मिल रहे हैं और इसके लिए लाइव प्रूफ लेकर आया हूं। और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर अभी फोन कर लो, अभी फोन करके सीबीएसई से बात कर लो, पॉज कर दो वीडियो को और दौड़ कर जाकर सीबीएसई के टोल फ्री नंबर या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट्स मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाए हैं जरा कॉल कर लो। कल देर शाम आपके रिक्वेस्ट पर जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड थे पिछले दिन, प्लीज बच्चों को कमेंट करके बता दो कि पिछले दिन क्या हुआ है। सीबीएसई से कॉन्टैक्ट करने के बाद बहुत दिनों के बाद मैं रिजल्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही बेटर और रिलैक्स फील हो जाएंगे जब आप लोग सुनेंगे, तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप सबको, आप लोग लाइक में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपना नंबर्स ऐड करना शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। और उससे पहले मैं बता दूं कि रिजल्ट्स का महीना है, रिजल्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वेबसाइट से पहले क्रैश होने से पहले सबसे पहले रिजल्ट देख पाए। छोटी सी वीडियो में आप सबको सारा डिटेल्स अपडेट देता हूं। पहले सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब लोग कंप्लीटली अवेयर हैं, हमारा फुल मैकेनिज्म है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास रैदर सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हैं। आप सबको पता है कि आप लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा था सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के पास, यानी कि आपके रिजल्ट्स में जो भी मतलब कि आंसर की वगैरह जो भी गलतियां हुई थी, सीबीएसई ने एक और अपडेट देकर बताया था कि उनके पास जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से चेक करवाया जाएगा एंड देन आप सबको रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। क्लास 10 के पैसेज में काफी सारे मिस्टेक्स हुई थी, तो अगर आपको इंग्लिश में 40 में से मिल रहा है, मान के चलिए आपने 25 नंबर उठा लिया, आप उस पर +2 ऐड अभी कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि वो जो पैसेज गलत आया था उसकी मार्किंग हो चुकी है, सबको मिल चुकी है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, टोल फ्री नंबर सीबीएसई पे कॉल करके बात कर लो, अभी पूछ लो, सारा आंसर आपको मिल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से आपको बता दे रहा हूं। कॉन्टैक्ट नंबर तक मैंने दे दिया है, अब ये आपके ऊपर है। दूसरा चीज यहां पे देख लो, मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि जो सीबीएसई का आंसर की गलत हुआ था, रैदर उन्होंने जो आंसर कीज गलत किए थे, है ना, उसके भी मार्किंग, यानी कि ये कॉन्फिडेंशियल बात सीबीएसई आपको खुद बताएगी कि स्टूडेंट्स को आपको उसी समय एक अपडेट दे दिया था सीबीएसई ने कि जो भी आंसर की पे गलतियां हो रही हैं, टीचर्स आर एडवाइज्ड नॉट टू स्प्रेड दिस न्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स। पहले ही बोल दिया गया था कि स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाएगा, वो पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, जो भी रहेगी मिस्टेक्स हमारी वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और ये आपको तब बताया जाएगा जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, जब अपना रिजल्ट आप देखेंगे। उसके बाद 10 तारीख तो आप सबको पता है कि सीबीएसई के चेयरपर्सन मनोज आहूजा सर आने वाले हैं लाइव, और इसके ऊपर आपको अपडेट देंगे कि क्या मार्किंग हुई है, नहीं हुई है, सब बताएंगे रैदर, और भी एग्जाम्स पैटर्न के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये बात आ चुकी है कि जो भी मिस्टेक्स, मतलब कि मान लीजिए, हाँ, एक कंफ्यूजन आप ना लें कि स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि मेरा सेट टू हार्ड आ गया था भैया और उनके सेट इजी थे, उसके भी मार्किंग मिलेंगे क्या? तो मैं आपको ऑनेस्टी से आंसर दे रहा हूं, उसके कोई मार्किंग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने तब बताया था कि हमारा ये बोर्ड एग्जाम है और इसका लेवल थोड़ा टफ होना ही चाहिए और हम इसका कोई मार्किंग नहीं करेंगे। रादर हमारी जो मिस्टेक्स है हम लोगों ने ऐड कर दिया है, सब कुछ मार्क्स दे दिया है, और आपको इसका पूरा प्रूफ लाइव जो कि कॉन्फ्रेंस में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से टर्म 1 का मार्किंग आपको किया गया है। और तो और आप लोग एक चीज जान लीजिए कि उन्होंने जो भी, मतलब कि ऐसा नहीं है आप लोग ऐसा सोच रहे हैं स्टूडेंट्स की यार टर्म 1 खराब चला गया, अब क्या होगा, हमारा तो रिजल्ट बूस्ट अप नहीं होगा, बल्कि सीबीएसई ने आपको शांत करने के लिए, सीबीएसई ने अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए आपको ये भी तक बता दिया कि आपके लिए कंबाइंड रिजल्ट हम कर देंगे। आप इस वक्त, मतलब इस समय पर देखो, उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आंसर की में जो भी मिस्टेक्स हुई है उसके भी मार्किंग कर देंगे, और साथ ही साथ एक और मार्किंग वो कर दिए हैं, इंग्लिश वगैरह जो भी मिस्टेक्स थी वो मार्किंग कर चुके हैं। लेकिन वहां पर आप लोगों को वो बहुत तरीके से मदद कर रहे हैं, रादर आपको अभी फिलहाल में आपको सिर्फ टर्म 1 का स्कोर दे रहे हैं, एंड साथ साथ उन लोगों ने अपडेट भी दे दिया है कि हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन रिजल्ट बनाएंगे। अभी आप स्कोर देख लो, हम सारे इंटरनल्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह के मार्क्स आपको ऐड करके परसेंटेज भी बताकर हम टर्म 2 में ऐड कर देंगे, तो आप कंप्लीटली टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आप सब लोग बिलीव करिए एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी था मिल ही रहा है आपका, प्लस ये सारे बोनस मार्किंग वगैरह जो मतलब कि आपके प्रैक्टिकल टर्म्स, ये सारी चीजें ऐड होकर ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट बनेंगे।
जो कि बहुत ही अच्छी खबर है सीबीएसई की तरफ से। आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं मार्किंग के ऊपर, और खुद 10 तारीख को इसके ऊपर डिस्कशन चलने वाला है। आई होप आप लोग रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।